फ्रेंड्स, मैं हूं शर्मिष्ठा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है हेयर स्पा। मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं कि आप घर में कैसे नेचुरल चीजों से बल्कि दो स्टेप में सिर्फ हेयर स्पा को कर सकते हो और आपको इतने अच्छे हेयर मिलेंगे जिसका रिजल्ट ट्रस्ट में मुझे बहुत पसंद है। हेयर स्पा के कुछ बेनिफिट शेयर करना चाहती हूँ। हेयर स्पा से आपके डैमेज बाल, ड्राई फ्रिजी हेयर बहुत ज्यादा स्मूथ सिल्की हो जाता है। आपके बालों का जो टेक्स्चर है वो बहुत ज्यादा मैनेजेबल हो जाता है और बहुत सिल्की हो जाता है। जो आपके बालों को देखेगा ना, उसको भी पता चलेगा कि आपने कुछ एक ट्रीटमेंट करवाया है। हेयर स्पा बेसिकली एक हेयर ट्रीटमेंट है जो आपके रफ और डैमेज बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है और उनमें एक जान ला देता है। पार्लर में जो हेयर स्पा होता है वो एक थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, और अगर हम घर में हेयर स्पा करते हैं नेचुरल चीजों से तो वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी होता है और हमारे हेयर्स को नेचुरली बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास जो छोटू बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। हेयर स्पा से पहले मैं हेयर ऑयल मसाज कर रही हूँ। मैं स्पेशली प्रिफर करती हूँ मेरे हेयर स्पा में ऑयल रहे या फिर मेरे हेयर्स में ऑयल रहे, जिससे कि मेरे बालों को हेयर ऑयल का भी नरिशमेंट मिले। और यहाँ पे मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेरे घर में बनाया हुआ होममेड हेयर ऑयल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं उसका लिंक दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रहेगा, आप उससे चेक कर सकते हो। और ये जो ऑयल है बहुत अच्छा है और इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिए। हेयर ऑयल क्या करता है, हमारे हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे बालों को मैनेजेबल बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप जब भी शैम्पू करो, शैम्पू से पहले एटलीस्ट 40 मिनट अपने हेयर्स में ऑयल लगा के रखिए। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा शाइनी और स्मूथ लगेंगे हेयर शैम्पू करने के बाद। और यहाँ पे मैं अच्छे से अपने बालों में हेयर ऑयल मसाज कर रही हूँ, और आप 3 से 4 मिनट तक हेयर ऑयल को अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद एक कॉम की हेल्प से, यानी एक कंघे की हेल्प से अपने बालों को डिटेंगल कर लीजिए। हेयर ऑयल के ऊपर मैं अपना हेयर स्पा का जो क्रीम है उसे अप्लाई करूँगी, और मेरा जो एलोवेरा हेयर स्पा भी है उसमें भी मैंने हेयर ऑयल यूज़ किया, और उसमें मैंने स्पा क्रीम में डायरेक्टली हेयर ऑयल यूज़ किया था, पर यहाँ पे हम स्पा क्रीम में हेयर ऑयल यूज़ नहीं कर रहे इसलिए मैंने हेयर ऑयल मसाज पहले ही कर लिया है। हेयर स्पा क्रीम बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है चावल का पानी। यहाँ पे मैंने चावल को धो के उसे 20 मिनट्स तक बॉईल किया है और उसे फिर स्ट्रेनर से छाक के उसका पानी निकाल लिया है, और एक केला, और मैं इस केले का सिर्फ हाफ यूज़ करूँगी। आप केला और चावल का पानी अपने हेयर लेंथ के हिसाब से यूज़ कीजिए। फिर मैं केले का छिलका निकाल के उसका स्लाइस बना के ग्राइंडर में डाल रही हूँ। उसमें मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड राइस वाटर, यानी कि उबला हुआ चावल का पानी, और इसे मैं मिक्सर में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना लूँगी, वरना जो बनाना यानी केले का चंक है वो हमारे बालों में अटक जाएगा और जिसे उतारने में हमें बाद में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये हमारा स्पा क्रीम रेडी है और अभी मैं इसे एक क्लीन बोल में डालूँगी। आप चाहो तो इस स्पा क्रीम में हेयर ऑयल ऐड कर सकते हो, पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी हेयर ऑयल मसाज कर लिया है तो मैं इसमें एक्स्ट्रा कोई ऑयल नहीं ऐड करूँगी। फिर मैं इस हेयर स्पा क्रीम को थोड़ा थोड़ा अपने फिंगर्स में लेके पहले अपने स्कैल्प में इस हेयर स्पा क्रीम को अप्लाई करूँगी, और फिर मेरे हेयर्स के थोड़े थोड़े सेक्शन लेके स्कैल्प से बॉटम तक उसे अप्लाई करूँगी अच्छे से। और फुल हेयर में अप्लाई करने के बाद मैं अपने हेयर को एक बहुत अच्छा सा मसाज दूँगी अपने फिंगर टिप से, और मैं धीरे धीरे हल्के हाथों से एकदम मसाज करूँगी ताकि मैं बहुत रिलैक्स्ड फील करूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। ये हेयर मसाज आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करेगा। राइस वाटर में मिनरल, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और 8 एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद है जो हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है हमारे फ्रीजी, ड्राई, टैम्ड हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड सिल्की एंड सॉफ्ट बनाता है। बनाना यानी केले में पोटाशियम, प्रोटीन्स और विटामिन्स मौजूद है जो हमारे हेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है रूट से, उनको एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर देता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड हेल्दी बन जाते हैं और हमारे हेयर को एक शाइनी और सिल्की लुक भी देता है। और अभी हम एक बन बना लेंगे और इस हेयर मास्क को अपने हेयर के अंदर एब्जॉर्व होने के लिए 10 से 15 मिनट टाइम दे देंगे। ये मास्क जब एब्जॉर्व हो जाएगा उसके 10 मिनट्स बाद हम हमारा सेकेंड स्टेप करेंगे, जो कि बहुत ईजी है।
नेक्स्ट स्टेप है स्टीमिंग, और ये स्टेप मेरा फेवरेट है और मैं लास्ट 5 साल से कर रही हूँ ये स्टेप, जब भी मैं हेयर स्पा करती हूँ तभी भी। बट लास्ट एलोवेरा हेयर स्पा के टाइम बहुत ज़्यादा ठंड था लंदन में, तो इसलिए मैं ये स्टेप नहीं कर पा रही। यहाँ पे मैंने एक पॉट में गर्म पानी रखा हुआ है और इसमें मैं टावल को भिगो के टावल को निचोड़ लूँगी अच्छे से। और आप केयरफुल रहिए इस स्टेप को करने के टाइम, वरना आप अपना हाथ भी जला सकते हो गर्म पानी से। अभी आप देख सकते हो ये टावल काफ़ी गर्म हो चुका है, धुआं निकल रहा है इससे। तो इस टावल को अभी मैं अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी, और इस गर्म टावल से जो स्टीम निकल रहा है वो बहुत हेल्प करेगा हमारे हेयर स्पा क्रीम और हेयर ऑयल को हमारे स्कैल्प के एकदम डीप अंदर तक जाने में, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। स्टीमिंग हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि हमारे हेयर ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है। स्टीमिंग आप महीने में 2 बार कर सकते हो, चाहे वो फेस स्टीमिंग हो या फिर हेयर स्टीमिंग हो। ज़्यादा स्टीमिंग हमारे हेयर के लिए या हमारे फेस के लिए अच्छा नहीं है। और ऐसे ही मैं ये गर्म टावल को एटलीस्ट 2 से 5 मिनट मेरे हेयर में रखूँगी, और उसके बाद मैं शैम्पू कर लूँगी, और आज मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने शैम्पू से अपने बालों को धो लिया है, पर मैंने आज कंडीशनर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे देखना था इस हेयर स्पा का रिजल्ट कैसा आता है। स्टेप जो है वो है हेयर सीरम अप्लाई करना हेयर स्पा के बाद। तो हेयर सीरम के लिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, आप नेचुरल एलोवेरा जेल मत यूज़ कीजिए। मैंने इतना सा एलोवेरा जेल ले लिया है और इसे मैं अपने फिंगर्स में रब करूँगी। मेरे जो गीले बाल है, मेरे बाल पूरे गीले हैं, मेरे गीले बालों पर ऐसे अप्लाई कर लूँगी, स्पेशली मेरे टिप पे अप्लाई करूँगी। एलोवेरा जेल इतना लाइट है कि ये झट से आपके हेयर्स में एब्जॉर्व हो जाता है। तो मैंने अभी सीरम अप्लाई कर लिया है, तो अभी देखते हैं सूखने के बाद का रिजल्ट। अब देखिए बाल सूखने के बाद मेरे बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। विश आप कैमरा से बाहर निकल के मेरे बालों को फील कर पाते, दिस इज सो सॉफ्ट। आप लोग ज़रूर इस हेयर स्पा को एक बार ट्राई कीजिए, मुझे पता है आपको आपके बालों से प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे अभी मेरे बालों से हो गया है। इट्स सो शाइनी, सो ग्लॉसी, सो स्मूथ, और कुछ भी टैंगल नहीं है। जस्ट सी, कुछ भी कैमरा ट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे धूप भी चला गया है अभी, तो कुछ भी ट्रिक नहीं है, दिस इज़ द ओरिजिनल हेयर। आज का टिप ये है कि आप कभी भी गीले बालों को ब्रश मत कीजिए। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो हमेशा अपने बालों को प्रोटेक्ट कीजिए सन से, क्योंकि सन डैमेज से हमारा बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाता है, और पॉल्यूशन से भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल और रफ हो जाती है। हमेशा कोशिश कीजिए अपने बालों को एयर ड्राई करने की, आप ब्लो ड्रायर ना यूज़ करो। अगर कभी कभी ओकेशन में करना पड़े, उससे पहले आप एक हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे हमेशा अपने बालों पर अप्लाई कीजिए, तो से आपके बालों का जो डैमेज है वो बहुत कम हो जाएगा। लास्ट जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि शैम्पू खरीदने से पहले आप हमेशा जो इंग्रेडिएंट है शैम्पू का उसको चेक कीजिए, और अगर आपको उस पर लिखा मिले पैराबिन या SLS, तो उस शैम्पू को आप मत खरीदिए, क्योंकि पैराबिन और SLS हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक कीजिए, इसे आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर एक जगह पे। मेरे फ्रेंड आप फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी बन सकते हो शर्मिश बने के नाम, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक दे दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस फैमिली का एक पार्ट बन जाइए, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, स्टे ब्लेस।